नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों माफ करना, बताना नहीं चाहता था पर अब बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा भेद खुलेगा। जी हाँ मित्रों, आपके घर में छुपा है यह व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है और आपकी जिंदगी से खेल रहा है। मित्रों आज नहीं तो कल यह व्यक्ति आपके पीठ में छुरा घोपेगा और बहुत बड़ा घाव आपको देगा। वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज से पहले आपने इस राज को कभी नहीं सुना होगा। आइए सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन से शुभ और कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से समझना। तो आइए आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 7 दिनों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि आपको फालतू के विवाद में पड़कर अपनी छवि खराब नहीं करनी है। कुछ समय से चल रही परेशानी सुलझाने में आपको परिवार की और मित्रों पूरी मदद मिलेगी, और भूमि से संबंधित अगर कोई मामला चल रहा है तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा समय रचनात्मक कामों में बिताने से आपको सुकून मिलेगा, और ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से आपका मूड खराब भी हो सकता है। इसलिए इस वक्त के अंतराल में सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले जितनी आप निभा सकते हैं। दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना है मित्रों, और किसी भी यात्रा को टालना इस वक्त उचित है, क्योंकि अगर आपने इस समय के अंतराल में कोई यात्रा की तो यात्रा के दौरान कुछ बड़ी हानि होने की संभावना बन रही है, और बीती हुई नकारात्मक बातें आपका मूड खराब कर सकती है। बिजनेस के सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे, और नई योजनाओं में आपको मित्रों निवेश करना पड़ेगा। ये गतिविधियां आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, और ऑफिस में आपको अधिकारियों से मदद मिलती रहेगी। मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन का प्रोग्राम बन सकता है, और अपोजिट जेंडर वालों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना ठीक नहीं है। मेडिटेशन और योगा की मदद लें, इससे शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, और अपना इम्यून सिस्टम भी आपको मजबूत बनाकर रखना है। मित्रों लेन देन करते समय सतर्कता रखनी चाहिए, काम में पारदर्शिता बनाए रखें। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे के बीच में पारदर्शिता रखना जरूरी है। पुराने मित्रों के साथ हुई मुलाकात आपको आनंद दे सकती है, और मित्रों किसी भी बात का अनुमान सोच समझ कर ही लगाएं, केवल तय की गई बातों पर ही ध्यान दें, क्योंकि जो बातें तय की गई है वह आपके लिए बहुत मायने रखती है। रिलेशनशिप से संबंधित परेशानी जल्दी दूर हो सकती है, और मित्रों करियर को बेहतर बनाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, और करियर आपके लिए आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। गलत खान पान के कारण पेट से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही दिनचर्या में समय समय पर बहुत अच्छा बदलाव आएगा, और परिवार वालों के साथ
घर की समस्या हल करने पर विचार विमर्श होंगे। मित्रों, अच्छा समाधान निकलेगा और युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। ध्यान रखिए कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ज्यादा ना करें, क्योंकि जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, इस समय के अंतराल में वही लोग आपको सबसे बड़ी ठोकर देंगे। कोई नजदीकी रिश्तेदार आपके खिलाफ गलत फहमियां पैदा कर सकता है, और इस समय लेन देन सावधानी से करें। मित्रों, भविष्य की कोई भी योजना आपको अभी के समय में बिल्कुल नहीं बनानी है। बिजनेस में नई संभावनाएं सामने आएगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे आपको कम ही मिल पाएंगे। मेहनत और कार्य क्षमता में किसी तरह की कमी ना आने दें, और बिजनेस बढ़ाने के लिए सफल लोगों का मार्गदर्शन आपको जरूर लेना है। मित्रों, ऑफिस में कोई खास प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन इस खास प्रोजेक्ट के चलते मित्रों कुछ लोग व्यवधान भी डालेंगे। बता देते हैं कि घर परिवारों के बीच एक दूसरे के लिए प्रेम और सहयोग रहेगा, और प्यार का इजहार करने का समय बहुत अनुकूल है। ताकत से ज़्यादा काम करना आपको बुरी तरह थका देगा। सबके साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। मित्रों, जरूरत से अधिक समय लगने से आपको चिंता हो सकती है। खुद के लिए आपका गुस्सा बढ़ेगा। अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश आपको अवश्य करना है, और दूर दृष्टि यानी कि दूर की सोच रखकर आपको लक्ष्य तय करना है। और मित्रों, बता देते हैं कि अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर बनाए रखें, और विदेश संबंधित काम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। इससे नए लोगों के साथ परिचय होगा, और परिवार के खिलाफ जाकर कुछ रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। चिंता और तनाव की वजह से सिर दर्द की समस्या हो सकती है, और मित्रों कुछ भी काम हाथ में लेने से पहले उस काम की रूपरेखा अवश्य बना लें। किसी दोस्त के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा, और अपने काम निपटाने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका भी मिलेगा। इससे आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और कहीं निवेश करने की योजना है तो उस पर अमल करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मित्रों, बता देते हैं कि जोखिम भरे कामों से दूर रहें, और लापरवाही में कानून ना तोड़े। जल्दी ही गुस्से में आने से आपको कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और मित्रों, राजनीतिक मामलों में दखल ना दे, और अपने काम पर पूरा ध्यान दे। रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिल सकता है जो कि फायदेमंद रहेगा, और बिजनेस में आपको बहुत अच्छे ऑफर भी मिलेंगे। मित्रों, स्टाफ और कर्मचारियों के कामों पर नज़र रखने की बहुत जरूरत है, और ऑफिस में आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बना रहेगा। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें, और गलत फहमी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। मित्रों, ज़्यादा तनाव आपकी कार्य क्षमता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ध्यान और मेडिटेशन इसका उचित इलाज है, और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, लेकिन असफलता के डर की वजह से किसी निर्णय पर पहुंचना संभव हो सकता है। लोगों की गलत बातों का जवाब सोच समझ कर दें, और तनाव दूर करने की कोशिश आपको अवश्य करना है। मित्रों, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ सकता है, और आगे चलकर आपको बोनस भी मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में जल्दी ही आपको सुधार नजर आएगा, और पार्टनर के सेहत से संबंधित चिंता बढ़ सकती है। तो मित्रों, अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली राशिफल की वीडियो में, तब तक के लिए हर हर।